नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक स्वस्थ होंगे। अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। फिलहाल आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लीवर सिरोसिस के संबंध में। अगर आपको थकान होती है तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी हाँ, लीवर सिरोसिस बेहद खतरनाक बीमारी है। यह समय रहते अगर नहीं पहचानेंगे और इलाज नहीं कराएंगे इसका, तो आपका लीवर काम करना बंद कर देगा और स्थिति जानलेवा हो जाती है। ये इससे बचाव के बारे में हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीवर सिरोसिस के 20-50% तक मामले शराब के अधिक सेवन के कारण होते हैं। सिरोसिस कैंसर के बाद सबसे गंभीर बीमारी है। गंभीर हो जाने के बाद इसका इलाज लीवर प्रत्यारोपण ही होता है, जो कि बहुत महंगा होता है। इसीलिए इसके लक्षणों को पहले पहचान लें ताकि आपका लीवर आसानी से बचाया जा सके। जी हाँ, पहला कारण जानिए, लक्षण जानिए कि कैसे आप पहचान सकते हैं। थकान महसूस होना। जी हाँ, लीवर सिरोसिस में शुरुआती स्तर में व्यक्ति को अनावश्यक थकान महसूस होती है। उसका वजन भी बेहद कम होने लगता है। पाचन संबंधी समस्याएं सामने आने लगती हैं। भूख नहीं लगना भी इसका एक सिम्टम्स है। जी हाँ, दूसरे चरण में व्यक्ति को अचानक चक्कर आने लगते हैं और उल्टियां होने लगती हैं। उसे भूख नहीं लगती है और बुखार जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा इसमें पेट में एक द्रव्य बन जाता है। ऐसा रक्त और द्रव्य में प्रोटीन और एल्ब्यूमिन का स्तर बढ़ जाने के कारण होता है। इस कारण से गंभीर सूजन आ जाती है पेट में और पेट दर्द रहने लगता है। आपको इस समय बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। तीसरी एवं अंतिम अवस्था में मरीज को उल्टियों के साथ खून आता है और वह बेहोश हो जाता है। इस बीमारी में दवाओं का कोई असर नहीं होता है। जटिलताओं को समझें, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। लीवर कैंसर, सबसे पहले तो लीवर सिरोसिस होने से लीवर कैंसर होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए डॉक्टर अक्सर लीवर सिरोसिस से जूझ रहे मरीजों को बार बार ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराने का सुझाव देते हैं ताकि कैंसर होने पर वह जल्दी ही पकड़ में आ जाए। इसके अलावा लीवर सिरोसिस का बढ़ना क्या है? जब पूरा लीवर करीब करीब सिरोसिस से भर जाता है तो वह बिल्कुल ही काम नहीं करता है। इस परिस्थिति में लीवर ट्रांसप्लांट ही एक उपाय बचता है आपके पास। बेहतर होगा कि आप ऐसे में अपना पूरा ख्याल रखें और स्वस्थ आहार का सेवन करें। अपने खान पान में विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम के बीच सही तालमेल बिठाएं और फास्ट फूड से बिल्कुल दूरी बनाएं। लीवर की समस्याएं हैं, जैसे कि आमतौर पर लीवर से संबंधित 3 समस्याएं होती हैं, फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस। सबसे अधिक होती है फैटी लीवर में। वसा की बूंदें लीवर में जमा होकर के उसकी कार्यप्रणाली को बाधा पहुंचाने लग जाती हैं। हेपेटाइटिस में लीवर में सूजन आ जाती है। सिरोसिस में कई समस्याओं के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं। लीवर सिरोसिस के कारण क्या होते हैं, क्यों होता है ये? शराब का अगर आप अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो होगा। हेपेटाइटिस बी और वायरल सी का संक्रमण रहा है तो होगा। मोटापा और डायबिटीज भी इसकी एक मुख्य वजह है। क्या करें ऐसे में? आप तुरंत टेस्ट करा करके इलाज कराएं, क्योंकि स्थिति बिगड़ने के बाद आपके पास यही रास्ता बचता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक जागरूक हैं तो पहले से ही इसका केयर करके इसको नहीं होने दे सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अपने खाने पीने में हर उन चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है जो आपकी बॉडी को फिट रखते हैं। और इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। आप हर दिन में जो खाना खाते हैं उसके संबंध में अच्छी नॉलेज होगी तो आप स्टार्टिंग से ही बेहतर खाना खाएंगे। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके खाना खाएंगे, न कि टेस्ट को ध्यान में रख करके। बच्चों को मैक्सिमम क्या होता है आज के डेट में पता नहीं होता है कि कौन से सब्जी को खाने से क्या उनको मिलने वाला है या कौन से अन्न से क्या मिलने वाला है। तो इस वजह से वो फास्ट फूड भी खाते हैं, पेट भरना है और टेस्ट भी आना है उसमें। लेकिन इसका खामियाजा जब उनकी एक उम्र पहुँचती है 30-40 के बाद, तब भुगतना पड़ता है। इसीलिए अगर स्टार्टिंग से ध्यान रखा जाए और हेल्थ अवेयरनेस रखी जाए तो फिट रहा जा सकता है, ये सभी समस्याएं आएंगी ही नहीं। और इसके लिए इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है ताकि आप जो भी चीज़ें खाने में खाते हैं, शामिल हैं आपके, उन चीज़ों को सही तरीके से जान जाएं इस्तेमाल करना, ताकि पूरे जीवन सही से स्वस्थ रहा जा सके और
कम से कम डॉक्टर के पास जाना पड़े। यह आज की वीडियो रही। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिले। जाते जाते एक टिप्स आपके लिए और, जो कि ध्यान रखें आप लीवर को डिटॉक्स करते रहें, और इसके लिए हमने इस चैनल पर वीडियो डाला हुआ है आपके लिए, वो वीडियो जरूर जा करके देखें। बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है, लीवर को डिटॉक्स कैसे करना है समय समय पर, ताकि आप फिट रह सकें, जरूर देखें, आपको 100% फायदा होगा। लीवर सिरोसिस जैसी समस्याएं आपको होंगी ही नहीं अगर उन बातों का ध्यान रखेंगे तो। यह आज की वीडियो रही, विदा लेते हैं इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनको जरूरत है, और कमेंट कीजिए आपके मन में कुछ सवाल बच गए हैं तो, या फिर कोई प्रॉब्लम है हेल्थ संबंधी तो हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं आप सभी से अब नई वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।